नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। आज कॉमरेड स्वर्गीय शिवशंकर शर्मा जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव मराची में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर भारतीय राजनीति के लगभग हर दल के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया। कन्हैया ने कहा कि आज वह शिवशंकर शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही वह देश को सुदृढ़ और समृद्ध करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने मराची और बीहट को बेटी रोटी का संबंध बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई मोकामा के बाबा कॉलेज राम रतन सिंह महाविद्यालय से हुआ है, इसलिए वह मराची, मोकामा, बीहट के सभी समस्याओं को बखूबी जानते हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि मराची के और बीहट के संबंध इतने अच्छे हैं कि आप जिस घर में भी जाएं तो वहां आपको मराची में बीहट के और बीहट में मराची के लोग मिल ही जाएंगे। टाल क्षेत्र के किसानों की उपेक्षा पर उन्होंने वर्तमान सरकार को लतारा। उन्होंने कहा कि अगर आज कॉमरेड शिवशंकर शर्मा जीवित होते तो दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में मोकामा के किसानों की बेहाल स्थिति को भी जरूर रखते। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में बलिया के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, जदयू नेता नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित कई बड़े वामपंथी नेता भी मंच पर उपस्थित थे। स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर संतोष था कि शिवशंकर शर्मा जी की पहली पुण्यतिथि पर देश के बड़े बड़े नेता उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए पहुंचे। धन्यवाद। आज अगर हम शिवशंकर दा की मूर्ति पे माला चढ़ा रहे हैं तो एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए, बहुत आसान होता है किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बना देना। हमारे जीरो माइल में राष्ट्रकवि दिनकर की एक बड़ी प्रतिमा है। वैसे दिनकर जी के बारे में एक बात बता दें, अक्सर ब्याह संबंध है बीहट का और मराठी का, झगड़ा बहुत होता है बराती पार का, लोग जोर से बोलता है, हम लोग पर अंगूठा बोलते हैं। हालांकि हम लोगों की भाषा पे मगही का इतना प्रभाव है कि मिथिला वाले हमारी मैथिली को मैथिली मानने के लिए तैयार है। तो कहते हैं देखना भाषा है, बात भी वही है। आजकल तो इस गांव में सलाद के लिए सब्जी खरीदने के लिए लोग जो है बीहट बाजार जाते हैं, जाते नहीं जाते, सस्ता सब्जी मिलता है। पहले हम लोग मोकामा आते थे जब बड़ी बड़ी जो है मंडिया थी, मारवाड़ियों का बड़ा बड़ा दुकान था, तो बीहट के लोग साड़ी खरीदने के लिए मोकामा आते थे। बाद में थोड़ा हम लोग वैसी होशियार हो गए वैसी होशियार नहीं हो गए। ये बात का एक कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। दिनकर जी इतने बड़े कवि हो गए, राष्ट्र कवि, लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि दिनकर जी की पढ़ाई लिखाई भी मोकामा घाट में हुई थी, सिमरिया में नहीं हुई थी, और हमारी पढ़ाई लिखाई भी मोकामा में हुई है। बेगूसराय में दसवीं तक की पढ़ाई लिखाई हुई है। तो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बाजार का सवाल हो, दुकान का सवाल हो, बेटी रोटी का संबंध हो, गंगा का उत्तरायण हिस्सा और गंगा का दक्षिणायन हिस्सा दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में मिला हुआ है। हम लोगों को यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में बड़े बड़े ठेकेदार हुए, बड़े बड़े रंगदार भी हुए, लेकिन हमारा गांव आज भी रामचरित्र सिंह और कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के नाम से जाना जाता है। मैं खास करके इस इलाके के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं कि बड़े बड़े ठेकेदार होंगे, बड़े बड़े रंगदार होंगे, लेकिन आपको अगर बाहर के सम्मान मिलेगा ना तो कॉमरेड शिवशंकर शर्मा जैसे लोगों के नाम पर सम्मान।